नमस्कार, शर्मिलास किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अचारी पूड़ी। ये आपने शायद ही पहले कभी खाई हो। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। मसालेदार पूड़ी बनाने के लिए देखिए, आज हम मसालेदार पूड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है, एक चौथाई कटोरी बेसन। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, नमक थोड़ा कम मिलाएंगे क्योंकि हम इसमें एक सरप्राइज इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर। देखिए इसमें ये करीब 1.5 चम्मच मैं अचार का मसाला मिला रही हूँ। ये देखिए ऐसा अचार। अब ये देखिए, इसे अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। और अचार में ही थोड़ा सा तेल होता है, तो मोयन अलग से नहीं डालेंगे, बस पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अच्छे से इसे गूंथेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आटा डालना पड़ेगा। अगर आपसे भी ऐसा हो, पानी अगर थोड़ा ज़्यादा गिर गया हो, तो आटा डाल लीजिए, ऐड कर लीजिए। पर बहुत कड़ा मत गूंथिए कभी भी पूड़ी का, क्योंकि जो पानी होता है उसकी वजह से ही रोटी या पूड़ी फूलती है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा तेल हल्का सा 1 चम्मच मिलाया है। अब इसे अच्छे से एक बार और गूंथ लेंगे। देखिए इसे हमने गूंथ लिया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे गोल गोल बेल लेंगे और फिर डीप फ्राई करेंगे। ये बहुत टेस्टी मसाला पूड़ी, अचारी पूड़ी बनती है। ये बहुत दिनों तक चलती है। तो आशा है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।